सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल यूनाइट फॉर नॉलेज आर टुडेज टॉपिक इज सेल साइकिल एंड सेल डिविजन बट बिफोर दैट इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर मैथमैटिक्स लेक्चर्स मैथमैटिक्स कॉन्सेप्ट यू कैन गो ऑन अमिथ कॉन्सेप्ट एजुकेशन लिंक विल भी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन मस्ट गो एंड वॉच तो आइए स्टार्ट करते हैं वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर टेन ऑफ क्लास इलेवन सेल साइकिल एंड सेल डिविजन तो अगर मैं बात करूँ सेल डिवीज़न की तो सेल डिवीजन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन डी एन एर एप्लीकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस दोनों चीज़ें होती हैं सेल में सेल ग्रोथ होती है और डिवीजन होती है जो ग्रोथ होती है ग्रोथ वाला फेज़ है वो इंटरफेज होता है और डिवीजन वाला फ़ेज़ हमारा एम फेज़ होता है वाई इज़ सेल डिवीजन इम्पॉर्टेंट जो भी सेल्स रिपेयर होने हैं या फिर कहीं पर सेल्स की सेल्स की डेथ हो रही है तो उनको रिप्लेस करने के लिए नए सेल्स चाहिए तो सेल डिवीजन इज इम्पॉर्टेंट राइट अगर मैं एक टिपिकल यू सेल की बात करूँ टिपिकल यू सेल अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूँ इट डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी ट्वेंटी फोर आवर्स इन अप्रोक्सीमेटली एवरी ट्वेंटी फोर आवर्स हर चौबीस घंटे में डिवाइड करता है सेल यू सेल बट डिफरेंट डिफरेंट सेल्स की डिफरेंट डिफरेंट सेल साइकिल हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट टाइम हो सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ईस्ट की बात करूँ तो ईस्ट टेक अप्रॉक्सीमेटली नाइन्टी मिनट्स टू कम्प्लीट इट्स वन साइकिल वन साइकिल ऑफ सेल डिविजन ईस्ट लेता है नाइन्टी मिनट कोलाई की बात करूँ कोलाई ट्वेंटी मिनट्स में कर लेता है राइट ट्वेंटी मिनट्स फॉर कोलाई देन नाउ लेटस कम टू द सेल साइकिल वाट इज सेल साइकिल बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं सेल साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं यानी कि एक डिवीज़न की साइकल में क्या क्या होता है क्या क्या चेंजेस होते हैं क्या क्या फेजेज होते हैं क्या क्या स्टेजेस होते हैं राइट right? तो सेल डिवीज़न की अगर मैं बात करूँ सेल साइकिल की बात करूँ तो इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू फेज़ नॉर्मली फर्स्ट इज़ इंटर फेज विच इज़ द ग्रोथ फेज़ जिसमें डिवीज़न नहीं हो रही है बट ग्रोथ हो रही है जो डिवीज़न के लिए इम्पॉर्टेंट है डिवीज़न होगी और डी एन एप्लीकेशन सब कुछ इंटरफेज में होते हैं एंड द सेकेंड वन इज़ द एम फेज विच इज़ डिवाइडेड इन टू फोर डिफरेंट स्टेजेस विच इज़ नोन एज पी मैट पी मैट से याद करते हैं फेज मेटाफेज एनाफेज एंड टीलो फेज राइट सो दिस इज़ द फेजेस पी मैट से इसको याद करते हैं एम फेज इज मेनली जो होता है इसमें डिवीजन ऑफ द सेल होती है मेनली जो सेल डिवाइड करता है एम फेज़ में कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस आर इन्वॉल्व इन एन एम फेज कार्योकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस की डिवीजन कार्यो मीन्स न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन्स डिवीज़न तो कार्योकाइनेसिस के लिए ये चार स्टेजेस लगते हैं हमारे पी एंड द सेकेंड इज साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस मीन्स साइटोप्लाज्म का डिवीजन द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज़ नोन एज साइटोकाइनेसिस तो एम फेज में भी दो फेज हो गए कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस जिसमें से कि कार्योकाइनेसिस ये चार फेजिज में पूरा होता है प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं और साइटोकाइनेसिस जो लास्ट है हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और दो डॉटर सेल्स हमारे पास आ जाएंगी तो so, स्टार्ट करते हैं विद इंटरफेज सो हेयर इज द डायग्राम फॉर द सेल साइकिल इंडिकेटिंग फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स फ्रॉम वन राइट यहाँ पर एक सेल है यहाँ पर दो सेल फॉर्म होते हुए दिखाए हैं बट लेट मे टेल यू इंटरफेज क्या है और एम फेज क्या है ये हमारा एम फेज है राइट right? और ये बाकी का बचा हुआ सारा इंटरफेज़ है दिस इंटरफेज क्या होता है दो सक्सेसि माइटोसिज या दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का फेज होता है राइट इट इज़ लॉन्ग कंस्टीट्यूट अबाउट नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ ऑल दी सेल साइकिल पूरी सेल साइकिल में से 95 परसेंट यही हो रहा होता है लास्ट के वन आर में एम फेज़ चलता है अगर मैंने 24 फोर आर कहा है तो 24 फोर आर में एक घंटे का ये वाला फेज़ है एम फेज़ और बाकी का 95 परसेंट इंटरफेज कंस्टिट्यूट करता है इंटरफेज़ में मेनली बायोसिंथेटिक फेज़ होता है इंटरफेज इज मेनली नोन एज बायोसिंथेटिक फेज बायोसिंथेटिक फेज़ क्यों बोला मैंने क्योंकि इसमें मेनली सिंथेसिस ऑफ ऑल सेल ऑर्गेनल्स, ऑफ़ द सेल ऑर्गेनल्स और रेप्लीकेशन ऑफ डी एन ए होता है राइट नाउ द इंटरफेज इज डिवाइडेड इन टू वन गैप वन फेज एस फेज एंड जी टू फेज सबको एक एक करके पढ़ लेते हैं नाउ कम्स द वन फेज फर्स्ट गैप फेज जो सेल है डिसाइड यहीं पे करता है यहीं पर फर्स्ट डिसीजन लिया गया कि हाँ मैं डिवाइड करूँगा तो सेल ने डिसीजन ले लिया अब मैं डिवाइड करने वाला हूँ तो सबसे पहली बात जो जीवन फेज है इसमें कोई रेप्लीकेशन ऑफ डी नहीं होगा डी एन इज़ नॉट रेप्लीकेटिंग बट द सेल इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव यानी कि सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस uh, उसमें चल रहे हैं देन द सेल ग्रो इन साइज एंड सिंथेसाइज न्यूक्लियोटाइड ए टी पी अमीनो एसिड प्रोटीन आर एन ए एंड अदर थिंग्स राइट तो अमीनो एसिड और प्रोटीन्स uh, जो हमारे बन रहे हैं दैट आर फॉर हिस्टोन प्रोटीन अभी हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या है इफ़ यू डोंट रिमेंबर या फिर आपको नहीं पता है तो हिस्टोन प्रोटीन हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ डी एन ए राइट तो जो डी एन ए बनने वाला है डबल होने वाला है अगले फेज में उसको पैक कौन करेगा राइट द डी एन एज टू पॉइंट टू मीटर पर सेल एक अकेले सेल में 2.2 मीटर डीएनए होता है तो इसे पैक कौन करेगा यानी कि एक इतने से सेल में माइक्रोस्कोपिक सेल में उसके न्यूक्लियस के अंदर इतना बड़ा डीएनए, 2.2 मीटर का डीएनए पैक करना है तो कौन करेगा दीज प्रोटीन्स हिस्टोन प्रोटीन्स तो वो उसकी ज़रूरत है तो वो प्रोटीन्स हमने जीवन फेज में बना लिए देन कम्स द एस फेज नाउ लेटस कम टू द एस फेज एस फेज़ में क्या होता है हमारा डी एन ए रेप्लीकेशन सबसे पहली और सबसे अच्छी बात यही है द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज डी एन एर एप्लीकेशन टेक्स प्लेस इन सिंथिस फेज़ एस फेज यानी कि जो हमारा डी एन ए है कंटेनिंग फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स और ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स वो डबल हो जाएंगे राइट right? क्यों क्योंकि हमें एक जैसे दो सेल बनाने हैं माइटोसिस का मतलब एक जैसे दो सेल राइट right? तो एक सेल से एक जैसे दो सेल बनेंगे तो अगर इसमें ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोज़ोम है तो इसमें भी ट्वेंटी थ्री पेयर और इसमें भी ट्वेंटी थ्री पेयर होने चाहिए तभी वो सिंपल सेल डिवीजन मानी जाएगी राइट तो उसी के लिए पहले हमें सिंथेसिस फेज में जाना पड़ेगा डी एन ए को रेप्लीकेट करना पड़ेगा डीएनए को डबल करना पड़ेगा यानी कि ट्वेंटी थ्री पेयर ट्वेंटी थ्री पेयर जब डबल होगा तभी तो ट्वेंटी थ्री पेयर के दो सेल्स बनेंगे राइट तो इसलिए डी एन ए रेप्लीकेट किया जाता है टू मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स एंड डी एन ए राइट देन द सिंथिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड्स जीवन फेज में हमने बना लिए थे इफ़ यू रिमेंबर जीवन फेज में हमने अमीनो एसिड्स का सिंथेसाइज किया था अब एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन का सिंथिसाइज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दोज अमीनो एसिड्स राइट देन द डिविजन ऑफ सेंट्रोजोम अब ये सेंट्रोजोम क्या होता है द सेंट्रोजोम इज अ सेल ऑर्गन विच हेल्प इन सेल डिवीज़न एक ऐसा सेल ऑर्गनल है छोटा सा सेल ऑर्गनल है 90 डिग्री में इसमें अरेंजमेंट होती है इट इज़ अ सेल ऑर्गनल विच विल हेल्प इन सेल डिवीजन सेल को डिवाइड करने में ये हेल्प करेगा एंड अगर मैं बात करूँ सिंथेसिस ऑफ डी एन ए डी एन की तो अगर इनिशियली एक सेल में अमाउंट ऑफ डी एन ए टू सी था तो अब डबल हो जाएगा यानी कि वो फोर सी हो जाएगा राइट right, ताकि टू सी टू सी के दो सेल्स बन सके ना लेटे जी टू फेज सो हेयर इज दी टू फेज जी टू फेज में क्या होगा अमीनो एसिड सिंथेसाइज होगा आर और प्रोटीन भी सिंथेसाइज होगा प्लस द डुप्लीकेशन ऑफ ऑल द सेल ऑर्गनल जो भी हमारे सेल ऑर्गन बचते हैं क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गियटर्स इन सबका डुप्लीकेशन हो जाता है यानी कि ये भी तो डबल करने पड़ेंगे ना दो सेल अगर एक जैसे बनाने हैं तो सारे सेल ऑर्गन भी डबल करने पड़ेंगे तो वो भी डबल हो जाते हैं डुप्लीकेट हो जाते हैं ताकि वो भी हाफ ऑफ डिवाइड हो सकें दो सेल्स बनाने के लिए राइट right. देन एक और एक छोटा सा फेज होता है जिसको हम कहते हैं जी टू फेज सॉरी जी नॉट फेज जी नॉट फेज ये फेज़ क्या है ये सम ऑफ द सेल्स इन द अडल्ट एनिमल्स डू नॉट डिवाइड फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स राइट जहाँ पर जो नर्व सेल्स हैं कभी भी डिवाइड नहीं करते तो वो कौन सी स्टेज में है वो हमेशा जी नॉट स्टेज में रहते हैं क्वेसेंट स्टेज या फिर इसको रेस्टिंग स्टेज भी बोल सकते हैं जो डिवाइड नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो ओकेजनली डिवाइड करते हैं यानी कि जब आ, उनका लॉस हो गया इंजरी हो गई कोई इंजरी हुई सेल लॉस हुआ तभी डिवाइड करेंगे उससे पहले डिवाइड नहीं करेंगे तो वो सारे सेल्स जो कुछ नहीं कर रहे डिवाइड नहीं कर रहे डिवाइड नहीं कर रहे बट मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं काम चल रहा है मेटाबॉलिकली एक्टिव है उन सेल्स को हम बोलते हैं वो कौन सी स्टेज में जी नॉट फेज में राइट क्वेसेंट स्टेज या फिर रेस्टिंग स्टेज भी बोल सकते हैं इसे नाउ लेट अस कम टू द एम फेज सो लेट अस टॉक अबाउट एम फेज एम फेज इज द माइटोटिक फेज जिसमें डिवीजन होगी इक्वेशनल डिवीजन होगी यानी कि दोनों इक्वल सेल्स बनेंगे एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनेंगे जो कि इक्वल रहेंगे एंड द एम फेज इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट टू डिफरेंट स्टेजिज विच इज कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस कार्योकाइनेसिस का मतलब क्या है न्यूक्लियस का डिवाइड करना एंड साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है साइटोप्लाजम का डिवाइड करना राइट तो कार्योकाइनेसिस इज न्यूक्लियर डिविजन विच इज़ डिवाइडेड इन टू फॉलोइंग सब फेजिज विच आर पीमैट पी मैट से याद करते हैं हमेशा प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टीलो फेज तो एक एक करके इन सबको पढ़ लेते हैं वट आर दी डिफरेंट इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन ऑल द स्टेजिज प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टीलो फेज जिसको हम पी मैट बोल रहे हैं लेट एस स्टार्ट सो हेयर कम्स द डायग्राम डायग्राम पर फोकस करेंगे अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज तो प्रोफेज की बात हो रही है फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमोजोम अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द प्रोफेज जो क्रोमोजोम दिखने लगते हैं ना क्यों क्योंकि वो कंडेंस हो गए हैं और ज़्यादा कंडेंसली पैक होकर के वो शो होने लग जाएंगे अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप तो फर्स्ट पॉइंट यही है हमारा कि क्रोमोजोम अपीयर हो जाते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो हमें दिख रहे हैं सारे क्रोमोजोम्स हैं देन द असेंबली ऑफ स्पिंडल फाइबर बिगिनस द स्पिंडल फाइबर स्टार्ट टू असेंबल क्यों क्योंकि उनको ये क्रोमोजोम दो एंड्स पर लेके जाना है एक इस एंड पर है और एक इस एंड पर राइट देन द क्रोमोजोम अपीयर लाइक बॉल लाइक स्ट्रक्चर राइट ये इस तरीके के स्ट्रक्चर्स में दिखते हैं एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियोलस एंड ऑल दैल ऑर्गनस स्टार्ट टू डिसअपियर सबसे पहले तो ये डिसअपियर होने लगती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजोल्व होने लगेगी और बाकी के सारे सेल ऑर्गनज दिखना बंद हो जाएंगे अभी ये है कि डिसअपियर होने का मतलब क्या क्या गायब हो गए ऐसा ही है ना भाई डिसअपेयर लिख रहा है डिसअपेयर होने का मतलब क्या है वो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं दिख रहे मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म इतना ज़्यादा घना हो गया है इतना ज़्यादा डेंस हो गया है साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा भाई सेल डिवाइड करवाना है सिर्फ न्यूक्लियस को ही तो थोड़ी डिवाइड कराना है बाकी का साइटोप्लाज्म भी तो पूरा डबल होगा अपना अमाउंट इंक्रीज करेगा तो साइटोप्लाज्म वो इतना बढ़ जाता है कि उसके अंदर के सेल ऑर्गन दिखना बंद हो जाते हैं वो इतना घना हो जाता है इतना डेंस हो जाता है कि उसके अंदर की सारी चीज़ें दिखना बंद हो जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिसअपियर हो गया तो वो गायब हो गया और वो है ही नहीं दोबारा बनेगा दोबारा सिंथेसाइज होगा जब हमने जी फेज में बोला था कि डुप्लीकेट हो रहा है तो भाई है तो प्रेजेंट तो है सेल के अंदर बट हुआ ये है कि वो सेल के अंदर ही साइटोप्लाज्म में ही डिसअपियर हो गया दिख नहीं रहा है अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप सिर्फ शो नहीं हो रहा है प्रेजेंट है वो वहीं पे राइट देन द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन इतना कंडेंस हो जाता है क्रोमैटिन कि वो क्रोमोजोम की तरह दिखने लग जाता है एंड वन मोर थिंग जो मैंने बोला था सेंट्रियोल सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं वो दो हो जाते हैं डिवाइड करेंगे दो और एक इस साइड पे आ जाएगा और एक इस साइड पे आ जाएगा दोनों अपोजिट पोल्स पर आ जाएंगे अपोजिट पोल्स का मतलब है एक इस साइड तो उसके एक अपोजिट पोल पर चला गया राइट सो दिस वॉज अबाउट द प्रोफेज मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमोजोम अपीयर हुए फर्स्ट टाइम इसी में असेंबली हुई स्टार्ट हुई स्पिंडल फाइबर की असेंबली स्टार्ट हुई है बिगिन हुई है देन क्रोमोजोम दिखने लगेंगे कंडेंसेशन हो जाएगी कॉइलिंग ऑफ क्रोमेटिन क्रोमेटिन की कंडेंसेशन हो गई तभी क्रोमोजोम दिख रहे हैं क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है तभी क्रोमोजोम बनाता है ना राइट right? तो कंडेंसेशन हो गई देन द क्रोमोजोम इसमें जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स थे एक तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस वो सब गायब होने लग गए डिसअपियर ये पूरी डिजोल्व हो जाएगी और इसके अंदर के सेल ऑर्गनल सारे डिसअपियर हो जाएंगे देन इसमें ही ये हमारा सेंट्रियोल अपोजिट अपोजिट पोल पर पहुंच जाएगा सो दिस वॉज अबाउट प्रोफेज प्रोफेज खत्म हो गया नेक्स्ट चलते हैं नाउ लेटेस कम टू द मेटाफेज ये हमारा मेटाफेज का डायग्राम हमें दिख रहा है ट्रांजिशन टू मेटाफेज एंड मेटाफेज फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाफेज में क्या होता है पूरी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब देख रहे हैं हम डिसंटीग्रेट हो चुकी है हमें पूरी न्यूक्लियर मेब्रेन दिखी नहीं रही राइट right? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी डिस इंटीग्रेट हो जाएगी जहाँ पर वहाँ से बिगनिंग ऑफ मेटाफेज स्टार्ट हो जाती है तो बिगनिंग ऑफ मेटाफेज स्टार्ट कहाँ से हो जाता है जहाँ से पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गई देन द क्रोमोजोम्स वी कैन सी द क्रोमोजोम्स हैव बिकम थिक एंड शॉर्ट पूरा अच्छी सी शेप दिख रही है क्रोमोजोम्स की अगर ये एक क्रोमोजोम है तो इसकी एक पूरी अच्छी शेप दिखेगी राइट right? तो सारे क्रोमोजोम की शेप दिखने लगती है शॉर्ट हो जाते हैं थिक हो जाते हैं देन द स्पिंडल फ़ाइबर की जो फॉर्मेशन है वो पूरी कंप्लीट हो गई अभी स्पिंडल फाइबर होते हैं क्या ही है? मैं दिखा देती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है हमारा सेंट्रियोल है सेंट्रोमियर जिसमें अटैच्ड होते हैं 90 डिग्री पर ये सेंट्रीओल है इस सेंट्रियोल से कुछ फाइबर्स निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स इन स्पिंडल फाइबर्स का काम क्या है ये जाते हैं हाफ ऑफ़ दी क्रोमोजोम्स को इस साइड लेकर आएंगे हाफ ऑफ़ दी क्रोमोजोम्स को खींच के इस साइड लेकर आएंगे अपोजिट पोल्स पर ले जाएंगे पर अभी ऐसा नहीं हो रहा है अभी क्या हो रहा है इसका सिर्फ काम बताया मैंने तो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन कम्प्लीट हो गई देन ईच क्रोमोजोम कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं इसको अगर ये दिख रहे हैं हमें अगर मैं इसका एक बताऊँ ना ये एक क्रोमेटिड है दोनों को जोड़ दूँ साथ में तो एक क्रोमोजोम बन जाएगा यानी कि हाफ हाफ को क्रोमैट बोलते हैं पूरे को क्रोमोजोम बोलते हैं देन अब क्या होगा ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे टू द क्रोमोजोम के सेंट्रोमियर पर क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर पढ़ा है ना हमने क्रोमोसोम के बीच में ये सेंट्रोमियर होता है तो स्पिंडल फाइबर्स आएंगे सेंट्रोमियर्स पर अटैच हो जाएंगे और उनको एक एक बीच में अरेंज कर लेंगे जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट राइट एक बीच में इक्वेटर पे मेटाफेज प्लेट मेटाफेज इक्वेटर या वट जो भी हम बोलते हैं ये लिखा हुआ है मेटाफेज प्लेट यानी कि जो ये बीच में आ जाता है ना बिल्कुल उसको कहते हैं मेटाफेज प्लेट द प्लेन अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोजोम एट मेटाफेज प्लेट ठीक है ये पूरा मेटाफेज प्लेट पे आ गए सारे क्रोमोजोम्स बीच में अरेंज हो गए हैं यहाँ पर हमारा मेटाफेज स्टेज खत्म हो गया राइट यहाँ पर मेटाफेज स्टेज खत्म हो गया जहाँ पर ये अरेंज हो गए हो गया हमारा काम हो गया मेटाफेज़ में डन क्या क्या हुआ मेटाफेज में अगेन आई एम रिपीटिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जहाँ पर हो गई थी वहाँ से मेटाफेज का स्टार्टिंग हमें समझ में आ गई थी मेटाफेज बिगिन हो चुका है देन क्रोमोजोम्स हमें पूरे अच्छे से कंडेंस्ड थिक और शॉर्ट दिखने लगे थे स्पिंडल फाइबर पूरा बन के तैयार हैं स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमीयर पे अटैच हो चुके हैं और सेंट्रोमीयर पे अटैच होने के बाद उन्होंने सारे क्रोमोजोम्स को एक प्लेट में एक इक्वेटर पर अरेंज कर दिया जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट राइट यहाँ पर मेटाफेज़ खत्म हो गया नाउ वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट फेज विच इज़ एनाफेज सो हेयर इज द एनाफेज स्टेज इसमें क्या होता है अगर ये क्रोमोजोम है क्रोमोजोम में ये सेंट्रोमियर है तो अब क्या होगा ये सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा दो में और दो क्रोमेटेड्स बना देगा ये अलग हो गया क्रोमेटेड ये अलग हो गया यहाँ पे दिख रहा है ना अगर ये देखूँ मैं तो हाफ ऑफ दन क्रोमेटेड इज टेकन टू दिस पोल वन क्रोमेटेड इज टेकन टू दिस पोल तो क्रोमेटेड अलग अलग हो गए दो क्रोमेटेड बन गए दैन द डॉटर क्रोमोजोम मूव मूवस टूअर्ड द अपोजिट पोल्स दोनों अलग अलग पोल्स पर पहुँच जाएंगे एंड अगर मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊँ तो एनाफेज इज़ द बेस्ट फेज टू स्टडी द शेप ऑफ क्रोमोजोम्स अगर किसी को क्रोमोजोम्स की शेप को स्टडी करना है ऐसी को स्टडी करनी है तो एनाफेज स्टेज जो है वो बेस्ट स्टेज है इस स्टेज पर जब सेल इस स्टेज पर हो तब उसे ऑब्जर्व करना चाहिए तो बहुत अच्छे से दिखेगा राइट सो दिस वॉज ऑल अबाउट एनाफेज ज्यादा पॉइंट्स नहीं थे तीन तीन ही पॉइंट्स थे सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ दो क्रोमैट्रिक्स बनाए डॉटर क्रोमोजोम्स दोनों अपोजिट पोल पर चले गए और एना फेज जो है बेस्ट फेज है फॉर द स्टडी ऑफ शेप ऑफ क्रोमोजोम्स देन नेक्स्ट चलते हैं टीलो फेज पर नाउ टीलो फेज में भी क्या हो रहा है सेल ऑर्गन वापस रीअपियर हो जाएंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस फॉर्म हो जाएगी राइट right? पूरे अच्छे से हमें दो न्यूक्लियस दिखने लगेंगे ओके okay? दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म हो गई है सेल ऑर्गन वापस आ गए हैं माइटोटिक स्पिंडल डिसअपियर दि हो जाएंगे माइटोटिक स्पिंडल का अब कोई काम नहीं है तो माइटोटिक स्पिंडल डिसअपियर हो गए सो दिस वॉज अबाउट द फेज ओके लेट लेटस कम टू द नाउ लेट लेटस कम टू द साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस मीन्स साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना साइटोप्लाज्म इज गोइंग टू डिवाइड इंटू टू राइट फॉर्मिंग द टू सेल्स टू डॉटर सेल्स बनाने के लिए साइटोकाइनेसिस होता है नाउ अगर मैं बात करूँ साइटोकाइनेसिस के लिए दो तरीके के सेल्स से हैं हमारे पास एक प्लांट सेल होता है और एक एनिमल सेल होता है प्लांट सेल की अगर मैं बात करूँ तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है विच इज हार्ड रिजिड राइट ये अपने ये हिलती नहीं है अपनी जगह से हार्ड है राइट right. और अगर मैं एनिमल सेल की बात करूँ तो एनिमल सेल में सेल वॉल जो होती है एब्सेंट होती है तो ओनली सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट तो इन दोनों में ही साइटोकाइनेसिस दो अलग अलग तरीके से होता है मैं बता देती हूँ वट इज़ द मेथड ऑफ साइटोकाइनेसिस इन बोथ अभी क्या है सेल एनिमल सेल है राइट एनिमल सेल में दो न्यूक्लियस बन चुके हैं इसको साइटोप्लाज्म डिवाइड करना है तो क्या होगा यहाँ से एक फरो टाइप बनने लगेगी और यहाँ से भी एक फ़रो बनेगी राइट यहाँ से फरो बनने लगेगी और यहाँ से भी ये फरो डीप होती जाएगी होती जाएगी और एक टाइम पर आके ये बीच में मिल जाएंगे एक दूसरे से और ये सेल अलग हो जाएगा ये सेल अलग हो जाएगा बन गए दो सेल राइट बट अगर मैं प्लांट सेल की बात करूँ तो प्लांट सेल में पहले तो सेल वॉल होती है फिर सेल मेम्ब्रेन होती है फिर ये यहाँ पर मेरे दो न्यूक्लियस हैं और साइटोप्लाज्म है अभी इसमें क्या होगा देखो सेल वॉल जो है वो फरो नहीं बना सकती वाई बिकॉज सेल वॉल इज रिजिड सेल वॉल इज हार्ड सेल वॉल अपनी जगह से नहीं हिलेगी बट यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी वो फ्लेक्सिबल होती है यहाँ पर फरो बनी दोनों बीच में मिली दो सेल बन गए यहाँ पर क्या होगा यहाँ से बीच से स्टार्ट होगा बीच से एक डिवीजन स्टार्ट होगा जो इस तरफ बढ़ेगा और इस तरफ बढ़ेगा दोनों तरफ बढ़ के यहाँ पर ये दो सेल में डिवाइड हो जाएंगे ये सेल अलग बन जाएगा ये सेल अलग बन जाएगा तो प्लांट सेल में इस तरीके से होता है एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस इस तरीके से होता है नाउ अस टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की माइटोसिस क्यों हुआ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस तो सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूं तो सेल साइज को मेंटेन करने के लिए माइटोसिस होता है राइट सेल साइज़ एक जैसा बना रहना चाहिए कहीं पर चोट लग गई या फिर कहीं पर सेल्स की लॉस हो गया तो उनको रिपेयर करने के लिए या फिर रिप्लेस करने के लिए देन रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है मैनी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस थ्रू माइटोसिस फॉर एग्जांपल अमीबा पैरामीशियम एंड हीलिंग एंड रीजनरेशन अगर कहीं पर भी हील करना है या रीजनरेट करना है कहीं पर तो यही माइटोसिस से ही डिवीज़न होगा राइट तो दिस वाज़ ऑल अबाउट द माइटोसिस नाउ अस स्टार्ट विद मीओसिस सो अस स्टार्ट विद मियोसिस मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीज़न फर्स्ट ऑफ ऑल मियोसिस रिडक्शनल डिवीज़न क्यों है क्योंकि मियोसिस जस्ट ओनली टेक प्लेस इन डिप्लॉयड सेल ऑलवेज कभी भी अप्लॉयड सेल में मीओसिस नहीं हो सकती हमेशा डिप्लॉयड सेल में ही मीओसिस होगी एंड वट इज़ द डिप्लॉयड सेल डिप्लॉयड सेल वो होता है जिसमें हमेशा पेयर में क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं राइट सिंगल क्रोमोजोम कभी प्रेजेंट नहीं सिंगल क्रोमेटिड कभी प्रेजेंट नहीं होता डिप्लॉइड सेल वो होते हैं जिनमें पेयर में क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं ओके सो मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोला है क्योंकि डिप्लॉइड सेल में जब मियोसिस होती है तो रिडक्शन हो जाती है और चार हैप्लॉयड सेल बन जाते हैं फोर हैप्लॉयड सेल्स आर फॉर्म्ड द टर्म मियोसिस इज गिवन बाय फार्मर एंड मूरे अगर मैं इसकी बात करूं म्योसिस इन्वॉल्व टू सिक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन एंड सिंगल साइकल ऑफ़ डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि जो इंटरफेज था वो सिर्फ एक ही है एक ही बार डीएनए रेप्लिकेट होगा और दो बार न्यूक्लियर डिवीजन होगी न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो मेरे पास एक सेल है जिसमें जो कि डिप्लॉयड है टू एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स यानी कि डिप्लॉयड है अगर मैंने इसका इंटरफेज किया तो ये फोर एन हो गया डीएनएर एप्लीकेशन के बाद उसके बाद मियोसिस वन हुई जिससे दो सेल्स बने टू एन टू एन डिप्लॉयड विदाउट एनी डी एन एर रेप्लीकेशन ये एक बार और डिवाइड कर गए एंड सारे हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे राइट आफ्टर मियोसिस टू यानी कि अगर सिंपली बात की जाए तो मियोसिस इज डिवाइडेड इंटू टू फेजिज़ मियोसिस वन एंड मियोसिस टू मियोसिस वन और मियोसिस टू कैसे मियोसिस वन जो है हमारा रिडक्शनल डिवीजन है इसमें भी फॉलोइंग सब फेजिज होंगे जो हमारे थे पी मैट प्रोफेज वन पी एम ए टी पी मैट प्रोफेज़ वन मेटाफेज प्रो वन एनाफेज वन टीलो एना वन और मियोसिस टू भी चार फेजेस में डिवाइड होगा प्रोफेज टू मेटाफेज टू एनाफेज टू एंड टीलो टू इससे पहले डीएनए रेप्लिकेशन एप्लीकेशन होगा राइट डीएनए डबल होगा लेकिन इस बीच में कोई डीएनए रेप्लिकेशन एप्लीकेशन नहीं होता राइट तभी रिडक्शनल डिवीजन होती है तभी वो टू एन से एन बन जाता है डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन जाते हैं राइट स्टार्ट करते हैं विद प्रोफेज वन मेटमियोसिज वन प्रोफेज वन हेयर वी आर स्टार्टिंग विद द प्रोफेज वन द प्रोफेज वन इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग विच आर एल लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन एंड डाकैनिस इसको याद कैसे करते हैं लता ज़रा पानी दे दे ठीक है तो लता इज़ फॉर लेप्टोटीन ज़रा इज़ फॉर जाइगोटीन पानी इज फॉर पैकेटिन एंड दे दे डिप्लोटीन एंड डायाकाइनिस राइट तो ये पाँच हमारे पास सब फेजेस आ गए जो प्रोफेज के ही पार्ट हैं तो प्रोफेज जो है मोस्ट कॉम्प्लेक्स माना जाता है सबसे बड़ा प्रोफेज वन सबसे बड़ा है और इसमें पाँच फेजेस हैं मियोसिस वन का प्रोफेज वन सबसे बड़ा फेज रहता है तो स्टार्ट करते हैं विद लेप्टोटीन सो so, लेप्टोटीन में क्या क्या होता है लेट अस स्टार्ट लेप्टोटीन फर्स्ट ऑफ ऑल कंडेंसेशन एंड कॉइलिंग बिगिंस ऑफ द क्रोमोजोम तो कंडेंस्ड क्रोमोजोम दिखेंगे फर्स्ट टाइम जो क्रोमोजोम अपीयर होते हैं वो प्रोफेज वन में ही होते हैं इन द फे फॉर्म ऑफ इन द फेज ऑफ लेप्टोटीन लेप्टोटीन फॉर्म में क्रोमोजोम पहली बार अपीयर करते हैं देन क्रोमोजोम्स आर इन इवन नंबर हमारे पता है हमें इवन नंबर में होंगे वाई बिकॉज दे आर इन पेयर मैंने बोला ना हमेशा पेयर में होंगे तो ईवन नंबर में प्रेजेंट होते हैं एंड देन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस स्टार्ट टू इंक्रीज ऑल द क्रोमोजोम्स अटैच टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दे अपियर लाइक बुके तो बुके लाइक अपियरेंस आती हैं ऐसे सारे एक साथ क्रोमोजोम्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर अटैच हो जाएंगे तो बुके टाइप अपियरेंस आएगी तो इसको बोलते हैं बुके फॉर्मेशन बुके मीन्स वो द बुके ऑफ फ्लार्स फ्लार का बंच तो उस तरीके से दिखता है इसलिए बोलते हैं देन क्रोमोजोम्स दीज क्रोमोजोम्स आर विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप राइट लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ये दिखेगा नेक्स्ट चलते हैं हम नाउ लेट अस टॉक अबाउट जयगोटीन अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल सेल की एक डिप्लॉयड सेल की तो उसमें दो सेट ऑफ क्रोमोजोम होते हैं राइट अगर मैं बात करूं तो दो सेट ऑफ क्रोमोजोम होंगे यानी कि पेयर में होंगे तो जो दो सिमिलर क्रोमोजोम्स हैं द दो सिमिलर क्रोमोजोम्स हैं उनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम्स यानी कि दो सिमिलर एक जैसे क्रोमोजोम्स जो होंगे उनको हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोजोम्स ठीक है सो so, द पेयरिंग बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोजोम्स स्टार्ट एंड दिस इज नोन एज साइनेप्सिस द पेयरिंग बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोजोम्स स्टार्ट विच इज़ नोन एज साइनेप्सिस दिज पेयर्ड क्रोमोजोम्स आर नोन एज बाई वैलेंट दाइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाई ये जो ये पूरा कॉम्प्लेक्स बना है इसको हम साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ये बना कैसे है दिस साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय आर एन एंड प्रोटीन्स एंड ड्राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स जो इसके बीच में आ जाते हैं और इन दोनों क्रोमोजोम्स को साथ में एक साथ रखते हैं और स्टेबलाइज कर देते हैं ड्यूरिंग क्रॉस ओवर क्योंकि इसके बाद क्रॉसिंग ओवर होने वाली है क्या होता है क्रॉसिंग ओवर वो भी मैं बताऊँगी अभी बट ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गया जिसके बीच में आर एन ए प्रोटीन और न्यूक्लियो प्रोटीन आ गया है जो इसे एक साथ रख रहा है और इसे स्टेबलाइज करके इसने रखा हुआ है राइट सो दिस वॉज अबाउट जाइगोटीन लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेज पैकेटीन नाउ हेयर इज द पैकेटीन स्टेज बट उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये एक क्रोमोजोम है और ये दूसरा क्रोमोजोम है तो एक क्रोमोजोम में जो इसके अपने अपने क्रोमेटेड होते हैं कि ये क्रोमेटेड ये क्रोमेटेड इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटेड क्योंकि अपने ही हैं जो ये दूसरा क्रोमोजोम है अगर मैं इसकी क्रोमेटिड्स की बात करूँ तो इसमें ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं बट अगर मैं इसकी और इसकी बात करूँ तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाएंगे राइट तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो क्रोमेटिड्स यहाँ क्लियरली विजिबल हैं राइट यहां पर क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होगी बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एनालाइज करना इसे बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटेड मतलब इसका एक क्रोमेटेड और इसका एक क्रोमेटेड के बीच में क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होगी क्रॉसिंग ओवर मतलब थोड़ा सा जेनेटिक मटीरियल डी जो है एक्सचेंज होगा आपस में ये एक्सचेंज करेंगे उसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर ठीक है ये अपना थोड़ा सा पार्ट उसे देने वाला है साथ वाले को और ये अपना थोड़ा सा पार्ट इसे देने वाला है राइट right. तो ये अलग से दिखेगा यहाँ और इसका भी अलग से ओके okay, तो ये है क्रॉसिंग ओवर जिसमें एक दूसरे ने एक दूसरे से इन्होंने जेनेटिक मटीरियल चेंज किया है राइट right. देन इसमें द रिकॉम्बिनेशन जो ये हो रही है क्रॉसिंग ओवर हो रहा है इसमें एक एंजाइम यूज़ हुआ है रिकॉम्बिनेस तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि इसमें एक एंजाइम का यूज़ होता है रिकॉम्बिनेस एंड अगर मैं बात करूँ कितनी क्रॉसिंग ओवर होगी कितना जेनेटिक मटीरियल चेंज हो सकता है तो वो नॉट मोर देफ्टी परसेंट यानी कि पचास परसेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता राइट right? तो जो इसके बाद आ, ये जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है एक दूसरे से इन्होंने एक्सचेंज किया जेनेटिक मटेरियल इसी की वजह से हमारे अंदर वेरिएशन आती है यानी कि हम अलग क्यों हैं अपने मम्मी पापा से क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी राइट right? और इसी का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है इन द इवोल्यूशन जो हम इवॉल्व हुए हैं धीरे धीरे चेंजेस आते हैं वो इसी की वजह से क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होती है यहीं पर होती है क्रॉसिंग ओवर इन दैकेट इन स्टेज नेट नाउ लेट अस मूव फर्दर नाउ नेक्स्ट स्टेज वी कैन सी हेयर डिप्लोटीन स्टेज वेयर इसमें क्रोमोजोम्स दूर दूर होने लगेंगे बट कुछ कुछ जगह से वो एक दूसरे से चिपके हुए होंगे जहां से उनकी क्रॉसिंग ओवर हुई थी यहां से और यहां से राइट तो ये यहां से और यहाँ से अभी तक एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं जिसको बोलते हैं कायज मैटा राइट दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कायजमेटा फॉर्मेशन जहाँ से वो थोड़ी थोड़ी जगह से चिपके रहेंगे दिस इज नोन एज कायजमाटा फॉर्मेशन तो डिप्लोटीन यही है एंड ऑल्सो दाइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट टू डिजोल्व डिसअपियर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो इसके बीच में बना हुआ था जो इसको पकड़ के है होल्ड करके रख रहा था वो पूरा डिजोल्व हो जाएगा क्योंकि अब इसे होल्ड करने की जरूरत नहीं है तो स्काइजेटा फॉर्मेशन हो चुका है और देर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द एन सी आर टी एनसीआर टी में एक लाइन लिखी हुई है इन द लास्ट लाइन ऑफ द डिप्लोटीन स्टेज विच वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स राइट तो ऊ साइट्स अगर ऊ जेनेसिस की वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाकर के देख रहे हैं आई हैव मेड अ वीडियो ऑन ऊ जेनेसिस जिसमें प्रोफेज वन पे सस्पेंड हो जाती है टू ओवम फॉर्मेशन सस्पेंड हो जाती है फॉर प्रोफेज वन तो प्रोफेज वन के भी डिप्लोटीन स्टेज पे वो सस्पेंड होती है यानी कि डिप्लोटीन स्टेज लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स यहीं पर सस्पेंडेड रहता है यहीं पर यह रुक जाती है फॉर सो दैट इट लास्ट फॉर मंथ्स एंड ईयर्स नाउ लास्ट इज द डायासिस वी कैन सी द डाकाइनेसिस हेयर द स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट टेकिंग प्लेस स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है ये सेंट्रोमियर अलग अलग अपने अपोजिट पोल्स पर आ गए हैं सेंट्रोमियर अपोजिट पोल्स पर आ गए ये स्पिंडल फॉर्म करना शुरू कर देंगे सब कुछ डिजोल्व हो चुका है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे पास अभी है नहीं और अगर हमें न्यूक् इसमें क्रोमोजोम्स को काउंट करना है तो दिस इज द बेस्ट स्टेज राइट अगर किसी को स्टडी करना है क्रोमोजोम्स को और क्रोमोजोम्स को काउंट करना है तो डाइक इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी दैट सुनाओ मेटाफेज़ वन एनाफेज़ वन टीलो फेज वन सब कुछ वापस से रिपीट होने वाला है मेटाफेज़ एनाफेज़ टीलो फेज क्या मेटाफेज़ में क्या हुआ था क्रोमोजोम शॉर्ट और थिक हो गए थे बायवेलेंट क्रोमोजोम ये बीच में अलाइन हो गया अच्छा यहाँ पर अगर हम क्रोमोजोम्स को देख रहे हैं तो यहाँ पर क्रोमोजोम्स में ये क्रॉसिंग ओवर वाला पार्ट दिख रहा है कि जो ये पर्पल वाला क्रोजोम दिख रहा है उसमें थोड़ा सा पार्ट ऑरेंज वाले क्रोमोजोम का है और ये जो ऑरेंज क्रोमोजोम दिख रहा है उसमें थोड़ा सा पार्ट पर्पल क्रोमोजोम का यानी कि ये थोड़ी सी क्रॉसिंग ओवर हुई जेनेटिक मटेरियल चेंज किया आपस में इन्होंने इसी की वजह से वेरिएशन आएगी राइट तो जो सेंट्रोमियर है यहाँ पर सेंट्रोमियर ऑफ़ द क्रोमोजोम पे स्पिंडल फाइबर आके अटैच होंगे मेटाफेज़ प्लेट पर उसको बीच में इक्वेटर प्लेट पर लेकर आएंगे जिसे हम मेटाफेज़ प्लेट बोल रहे थे सो दिस वॉज अबाउट मेटाफेज़ वन नाउ द एनाफेज वन में क्या होगा वापस सेम चीज़ स्पिंडल जो है फाइबर उसे खींच करके अपोजिट पोल्स पर ले जाएंगे सारे डॉटर क्रोमोजोम को अलग अलग पोल्स पर ले आए देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल रीअपियर ऑल द सेल ऑर्गन विल रीअपियर दो न्यूक्लियस हमें दिखने लगेंगे एट द टीरो वन एंड उसके बाद साइटोकाइनेसिस कंटिन्यू करेगी द साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस दो सेल्स फॉर्म हो जाएंगी नाउ वी आर हैविंग द स्टेजेस ऑफ मियोसिस टू मियोसिस टू में वही सारा होगा नॉर्मल तरीके से जैसे माइटोसिस में प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज होता है उसी तरीके से मियोसिस टू के सारे स्टेजेस फॉलो करते हैं बट बिटवीन द मियोसिस वन एंड मियोसिस टू एक फेज होता है जिसका नाम है इंटरकाइनेसिस राइट इससे पहले डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा लेकिन हमें सारे सेल ऑर्गन तो डबल करने पड़ेंगे ना दो सेल्स बनाने तो सेल ऑर्गन डबल करने पड़ेंगे सेंट्रीओल का पेयर बनाना पड़ेगा ये सेंट्रियोल दो और चाहिए ना तो उसका पेयर बनाना पड़ेगा राइट तो ये गैप फेज होता है इंटरकाइनेसिस बिटवीन द टीलो फेज वन ऑफ मियोसिस वन एंड प्रोफेज टू ऑफ मियोसिस टू तो यहाँ पर जो सारे प्रोफेज टू मेटाफेज टू एनाफेज टू और टीलो फेज टू दिख रहे हैं ये सारे आर सेम एज माइटोसिस ऑल दी जो भी इसमें होने वाला है वो सेम होने वाला माइटोसिस के जैसा एवरीथिंग इज गोइंग टू अगर सेम एज़ माइटोसिस तो यहाँ टीलोफेज टू तक आते आते एक सेल से दो सेल और इस एक सेल से दो सेल बन जाएंगे यानी कि ये सारे एप्लॉयड है सेल्स से हैं एन 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 सो so यहाँ पर मियोसिस खत्म होता है अगर मैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की बात करूँ तो मियोसिस ओनली टेक्स प्लेस वेन देयर इज गेमीट फॉर्मेशन हमेशा गेमीट फॉर्मेशन के लिए जब भी गेमीट फॉर्मेशन होता है तो मियोसिस होती है क्यों क्योंकि गेमीट्स आर ऑलवेज हेप्लॉयड सेल्स क्यों होते हैं हैंप्लॉयड ताकि हेप्लॉयड है हैप्लॉयड मिल के डिप्लॉयड जयगोड बना सकें यानी कि अगर मैं 23 क्रोमोसोम्स फादर से लूं, 23 क्रोमोसोम्स मदर से लूं, तो मुझ में तो 46 क्रोमोसोम आ गए ना तो इस 46 क्रोमोसोम को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर मियोसिस होता है राइट तो मियोसिस ऐसी जगह ही होता है हमेशा जहाँ पर डिप्लॉयड से अप्लॉयड सेल बनाना हो इट इज़ टेकिंग प्लेस हेयर सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर द चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड सेल डिविजन राइट ऑल द माइटोसिस एंड मियोसिस इज़ कम्प्लीटेड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हमारे साथ जुड़े रहें फॉर फर्दर अपडेट्स थैंक यू